हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूँ। सो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं इडुटीरिया बिहार करंट अफेयर्स, और इसमें लगभग देखिए 15 सेट है। दैट मींस लगभग 750 के आसपास आपको एमसीक्यूज मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स का। हम लोग इसको करेंगे और बहुत जल्द इसका जो है मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। बट बिफोर दैट कुछ जानकारी आपको मैं दे दूँ। देखिए 69 बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया जा चुका है। इसमें आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, यूटीरिया, इन सारे के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए जाते हैं। वन टाइम पेमेंट करके आप 199 का इसमें आप ऐड हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप लोगों का क्वेश्चन होता है क्या एक्सप्लानेशन रहेगा आंसर का, तो यस बिल्कुल एक्सप्लानेशन भी आंसर का रहेगा। इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा ये सारा सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पहला नंबर सेट हमारा यहाँ से आ जाता है इडुटीरिया का बिहार करंट अफेयर्स। आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको देखिएगा यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पे है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं पहले कर लेता हूँ आपके लिए जूम, और ये हमारा हो गया बिल्कुल ही परफेक्ट। चलिए भाई, पहला हमारा यहाँ पे सवाल है, देखिएगा। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो 100 व्यक्तियों के ऊपर मोबाइल की उपलब्धता बिहार के अंदर में देखिए 55 व्यक्तियों में है ना, यानी कि 100 में से 55 व्यक्ति ऐसे बिहार में हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। नंबर दो देखिएगा क्या बोला जा रहा है। नंबर दो में, नंबर दो है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें जो गलत कथन की बात कर ले, देखिएगा दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, तो डी हो जाएगा हमारा, ना ही एक और ना ही दो। तो इन आवासीय विश्वविद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों का कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, और पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। क्लियर। नंबर तीन देखिएगा क्या बोल रहा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? बोन्स का हॉस्पिटल देश का दूसरा सबसे बड़ा पटना में ये बन रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है देखिए मुजफ्फरपुर में। सबसे बड़ा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अब तक का सबसे बड़ा बिहार में ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में। नंबर पाँच देखिएगा, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? भैया ये सम्मानित किया गया देखिए सीतामढ़ी के धावा दल को, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर सिक्स देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो अपने स्टेट का ये फोर्थ एयरपोर्ट रहेगा, ये भैया देखिए बन रहा है पूर्णिया के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर सात देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के BCA के छात्र ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है देखिए रक्षक ऐप, ठीक है। नंबर आठ देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का पोजीशन कौन सा है, कितने नंबर पर बिहार है? तो बिहार देखिए दूसरे नंबर पर है असंगठित श्रम रोजगार के मामले में। आगे बढ़ते हैं, नंबर नौ देखिएगा, बिहार पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपके लिए, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? देखिए करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वर्ष 2022 से 23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ है, और सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है। ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिएगा, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? दुनिया के 20 युवाओं में किसको चुना गया है? देखिए गौतम कुमार को चुना गया है। नंबर 11 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो भैया ये खोला गया है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। 12 नंबर देखिएगा, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? कितने जिले बिहार के ऐसे हैं जो इसके तहत लाभान्वित होंगे? करेक्ट देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा आंसर, 6 जिले बिहार के ऐसे हैं जो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत लाभान्वित होंगे। 13 देखिएगा, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF+
प्रखंड घोषित किया है, ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसको घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 का देखिए करेक्ट हो जाएगा हमारा, भागलपुर किया गया है। देखिए ये आ सकता है, इसको VVI करके लिख लीजिए, बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 14 देखिएगा, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा और बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में इसमें जोड़ा जाएगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है और इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। करेक्ट हमारा 14 का जो हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज सी हो जाएगा, 14 का सी। 15 देखिएगा, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है, तो ये अवार्ड दिया गया है, अगर हम बात कर ले देखिए, राजगीर, नालंदा, बोधगया, ऑल ऑफ दीज डी हो जाएगा, एक से अधिक। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, तो ये खोले जाएंगे देखिए कुल मिला के 33, VVI इसको कर लीजिए, ये आने की संभावना है, ठीक है। खेलो इंडिया तहत बिहार में कितने खेलो इंडिया सेंटर खुलेंगे, 33 सेंटर्स खुलेंगे। 17 देखिएगा, TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की बात कर ले। देखिएगा, TB में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है, एकदम ठीक बात है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल मिला है और 20% की कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 18 देखिएगा क्या बोल रहा है, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दी गई है, तो भैया इसकी जो रिपोर्ट है ये पटना पूर्णिया में दिया गया है, ठीक है। 19 देखिएगा, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है, देखिए बिहार से जो चयन किया गया अगर इसकी हम बात कर लें, राइट, तो बिहार से चयन किया गया है गया का, ए करेक्ट हो जाएगा, ओ माफ़ कीजिएगा, सॉरी प्रणब सुमन का, 19 का ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिएगा, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है पटना के अंदर में। 21 देखिएगा, बिहार के किस जिले में पुरस्थल तेलहाड के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेष के प्रदर्शन के लिए तेलहाड संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है नालंदा के अंदर में। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह अवार्ड दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। 23 देखिएगा, बिहार के किस जिले के बाबरचक गाँव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, तो राज्य का पहला स्मार्ट विलेज जो है ये देखिए बांका में, पटना के करीब में है बांका, वहीं पे बिहार का पहला बाबरचक गांव है, वहीं पे इसको डेवलप किया जा रहा है। 24 देखिए, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण की बात हो रही है, राइट। देखिए करेक्ट जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वैशाली हो जाएगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देखिए, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगत की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, हाथी पांव, अब ये वाला सवाल बड़ा बेहतरीन है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। देखिएगा 25 का जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, राइट, हाथी पांव। 26, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है, तो ये जो है स्कूल से बाहर अब कोई भी बच्चा की अगर हम बात कर ले, देखिए सिवान, जहानाबाद, अरवल, ये तीनों ही स्टेट में अब जो है कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, सारे बच्चे जो है स्कूल में, ऐसा रिपोर्ट आया है कि सबका एडमिशन है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इससे अधिक। 27 देखिए, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ टॉप पे है, शीर्ष स्थान पे है, तो भैया देखिए ये है कौन, सुपौल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थाने में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम तीन में जगह दिया गया है, तो प्रथम तीन में जगह मिला है देखिए अरवल महिला पुलिस थाने को मिला हुआ है। 29 देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो बुक है इस बुक के राइटर हैं देखिए अरुण सिंह जी, बी करेक्ट होगा। 30, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का
योगदान रहा है, बिहार से किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है। तो देखिए, अमिताभ, रवि कुमार, सुधांशु कुमार, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वीवीआई कर लीजिए, ये आने की संभावना है, ये आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत लेटेस्ट ये काम भारत ने करा है, इसरो ने करा है, तो बिल्कुल ये आ सकता है। 31 देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं। इनमें जो शामिल पाठ्यक्रम की बात अगर हम लोग कर लें, देखिएगा ITI, पॉलिटेक्निक और BEd सब इसमें हेड, डी हो जाएगा। 32 हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी का पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया है, तो ये जो विमोचन पटना में हुआ है वो देखिए जाति प्रथा का हुआ है, सी करेक्ट होगा। 33 देखिएगा, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष, ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली ही बने हैं, देखिए एस के सिंघल, ध्यान रखिएगा। 34 देखिएगा, बिहार में किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है, ठीक है, तो ये बनाया गया है IIT पटना को। 35 देखिएगा, NTPC संयंत्र से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, तो बिहार अब बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, और इवन सरप्लस बिजली अब बिहार के पास होता है, बिजली बाहर बिहार जो है वो बेचता भी है, तो देखिए 6,943 मेगावाट अब बिहार अपना प्रोड्यूस करता है। 36 क्वेश्चन नंबर, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी, तो राज्य सरकार की अगर हम बात कर लें अनुदान की, है ना, देखिएगा ये देखिए 15% यानी कि 5 करोड़ रुपए तक जो है मैक्सिमम दिया जाएगा। 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जाता है, मलमास मेला बिहार में कहाँ पे लगता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ठीक है, देखिए करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राजगीर, ये नालंदा यानी राजगीर में मलमास मेला लगता है। 38 देखिएगा, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, देखिएगा इसकी शुरुआत मुख्य सचिव परिसर में पौधारोपण के साथ हुआ था, एकदम ठीक है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, ठीक है, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे निःशुल्क देने की घोषणा करी है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 39 देखिए, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है, इनका भव्य आयोजन जो है देखिए ये न्यू दिल्ली में हुआ है। 40 देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब लिखी गई देखिए उदयकांत के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिएगा, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर लें, देखिए उनकी यह 52वीं स्मृति दिवस थी, यानी उनको मरे हुए 52 साल हो गया है, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, ठीक है, वो बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लोक लेखक और नाटककार थे, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा हो गया है, यानी माइक्रो फाइनेंस लोन वाला, ठीक है, तो ये राज्य की अगर हम बात कर लें अपना बिहार हो गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिए, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही कथन की बातें हो रही हैं आपसे, देखिए सही कथन की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 43 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, ठीक है, बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है और अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है, यानी सी करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही हैं हमारे। 44 देखिएगा, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो ये जीता है देखिए सुमन कुमारी ने, राइट। 45 नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है बिहार को। 46 देखिएगा,
क्या है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किसने किया है? तो भाई देखिए, मुजफ्फरपुर में ये उद्घाटन हुआ है। 47 देखिएगा, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति हैं, एकदम ठीक है। यहाँ पे भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए, बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है हमारे। 48 देखिएगा, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गॉडलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो इस ट्रेंच का निर्माण क्या है, देखिए गया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा करी गई है? तो ये घोषणा करी गई है देखिए सहरसा के लिए, सी करेक्ट होगा। 50 देखिए, हमारा सेट एक से आखिरी सवाल है, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें, वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, ठीक है। डी हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, ठीक है ना, तो गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेट वन कंप्लीट होता है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर दो के ओर, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ से सेट दो आता है और इसको मैं कर लेता हूँ आपके लिए जूम, परफेक्ट। पहला सवाल देखिएगा, बिहार के दरभंगा जिले को किस कवित्री और मैथिली लोक गायक को बिहार रत्न प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया देखिए सोनी चौधरी को। दूसरा सवाल है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? देखिए, इसके राइटर की बात कर लें, अभय के जी इसके राइटर हैं। नंबर 3 देखिएगा, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार स्टेट का फर्स्ट साइबर थाना अगर हम बात कर लें, देखिए पटना में खोला गया है, ठीक है, हमारा 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको VVI कर लीजिए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, ये सवाल आने की चांसेस है, पहला साइबर थाना बिहार में कहाँ खोला गया है। चलिए, नंबर 4, जून 2023 में बिहार का SC ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? रत्नेश सदा को बनाया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात कर ले, देखिए इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, ये ठीक है, बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ठीक है, और देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, ठीक है, यानी कोई भी गलत नहीं है। नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत करी गई है? तो एक पंचायत एक बैंक योजना की अगर हम बात कर ले, किसके द्वारा शुरुआत इसकी की गई है, तो करेक्ट हो जाएगा देखिए बिहार के द्वारा। नंबर 7 देखिएगा, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ये जो पोर्टल उन्होंने विकसित किया है वो है देखिए ई शिक्षा कोष पोर्टल, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नंबर 8 देखिए, बिहार के शेखपुरा जिले में किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है देखिए गायत्री कुमारी जी को, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिए, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत करी गई है? तो ये पहला जो म्यूजियम इसका शुरुआत हुआ है देखिए कहाँ पे, पटना के अंदर में। नंबर 10 देखिएगा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? होम स्टे योजना, ये देखिए पर्यटन विभाग के द्वारा जो है ये होम स्टे योजना स्टार्ट की गई है। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है? तो ये कार्गो सेवा ट्रेन जो है ये स्टार्ट हुआ है देखिए अगर हम बात कर लें, है ना, अररिया से, ठीक है। नंबर 12, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पहले मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? मतलब कि अगर मौसम ख़राब होने वाला होगा, आंधी तूफान आने वाला है, बारिश होने वाला है, तो 5 दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी, तो ये कौन सा ऐप इन्होंने स्टार्ट किया है? मौसम बिहार। 13 देखिए, बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? पंचाने नदी बचाओ अभियान,
देखिएगा ये चलाया जा रहा है नालंदा के अंदर में, ए करेक्ट होगा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद करा है काजल कर्ण ने। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आने की संभावना भी है, ध्यान रखिएगा। 15 देखिए, बिहार के किस ज़िले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है? ये निर्माण हो रहा है देखिए गया, वैशाली, पटना के अंदर में, डी हो जाएगा एक से अधिक। 16 देखिएगा क्या बोल रहा है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच में चलाई गई? बिहार का पहला वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए, सवाल बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण भी है। देखिए ये चलाया गया है पटना से रांची के बीच में। 17 देखिएगा, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे 2022 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था, ठीक बात है, और इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने करा था, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल आपका शुरू यहाँ पे हो जाता है, राज्यपाल कौन है बिहार के? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए अगला है, G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, डी हो जाएगा सारे के सारे। 18 देखिए, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? अमरपाली सोनू झा ने। 19 देखिए, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन देखिए पटना के अंदर ही हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा करी गई है डॉक्टर आरती राजहंस जी के नाम के ऊपर में। 21 देखिए, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट की बात कर लें तो देखिएगा बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य जीता है, सी हो जाएगा, पहला और दूसरा ही केवल ठीक है, ठीक है। 22 देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है देखिए पूर्वी चंपारण में, विराट रामायण मंदिर का काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार की प्रेमलता कुमारी ने देखिए रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। 24 देखिएगा, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? मछली रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना जो है देखिए पटना के अंदर में की जाएगी। 25 देखिए, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है? इसके विमोचन की बात कर लें देखिए अवध बिहारी चौधरी के द्वारा करा गया है। 26 नेक्स्ट है हमारा, देखिए हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित की बात कर लें देखिएगा आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना, सारे के सारे यहाँ पे सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, सारे मैच हैं। 27 देखिएगा क्या बोल रहा है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, देखिएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ठीक बात है ये बिल्कुल ही। उसके बाद देखिए बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है, और बेगूसराय को दिया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 28 देखिएगा, बिहार के किस जिले को चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराने कालीन मूर्ति मिली है, ठीक है, 2000 साल पुराना मूर्ति मिला है, ठीक है, तो ये मिला है देखिएगा लखीसराय में। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है? ये रहा है देखिए दरभंगा एयरपोर्ट। 30 देखिएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं? देखिए चंबल नदी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो ये पाए जाते हैं गंडक नदी के अंदर में। 31 देखिएगा, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि निर्फ 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन देखिए
एनआईटी पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वां और इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वां स्थान पर है। 32 देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है देखिए पटना के अंदर में। 33 देखिएगा, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की अगर हम बात कर लें, है ना, देखिएगा दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं और बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, सी करेक्ट होगा। 34 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, इसका संबंध किस जिले से है। देखिएगा इसके संबंध की बात कर लेना तो ये किशनगंज जिले से इसका संबंध है। 35 उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है, तो उन्होंने ये पदक जीता है देखिए रोइंग में, ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, वीवीआई सवाल है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। म्यूनिसिपल बॉन्ड है ना, म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है ये मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। 37 देखिएगा, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ ज़मीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा देखिए वैशाली में। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही स्टेटमेंट की बात कर ले, देखिए शीर्ष 5 जिले में बिहार के 2 जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है, गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा पोजीशन यहाँ मिला है और कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है, तो हमारा यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है, इन्होंने ये निर्देश दिया देखिए 17% तक करने का, 39 का ए करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रदान किया जाएगा देखिए अक्षय आनंद सन्नी को, ठीक है। 40 का हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिएगा, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर लें तो देखिए बिहार किशनगंज जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये वाला गलत है। बाकी जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, एब्सोल्युट करेक्ट, और इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले को प्रथम पोजीशन मिला है, बिल्कुल ठीक है। बिहार का जो जमुई जिला है इसको सेकंड रैंक मिला है, ठीक है। 42 देखिएगा, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया है, तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये देखिए पटना में किया गया है। 43 बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है, तो ये गोलकीपर के रूप में देखिए खुशी कुमारी का जो है चयन हुआ है। 44 देखिएगा, क्या है, बाढ़ और सूखा की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है, तो बिहार सरकार ने टोटल देखिए बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है, इसकी शुरुआत करी गई है देखिएगा दरभंगा के अंदर में। 46 हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो रॉ के नया प्रमुख यहाँ पे रवि सिन्हा हो गए हैं। यहाँ पे एक और आपका सवाल हो जाता है कि रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं रवि सिन्हा, और यहाँ देखिएगा बिहार के भोजपुर जिले के IPS अधिकारी हैं ये, यहाँ पे आपके यहाँ से 2 सवाल रेडी हो जाते हैं। 47 कनाडा और पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो एकल स्पर्धा में रजत पदक देखिए प्रमोद भगत ने जीता है। 48 देखिएगा, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया देखिए संजय मिश्रा की फिल्म है ये। 49 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो उन्होंने ये आधारशिला देखिए कहाँ पर रखी है, तो पटना के अंदर में रखी है। सेट नंबर 2 से हमारा आखिरी सवाल है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा करी गई है, तो बिहार में टोटल देखिए 5 जगहों पर, ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत
33 जगह वहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये दोनों याद रखिएगा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, तो 5 जगहों पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमारा यहाँ पे सेट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। सेट नंबर 3 से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको हमने कर लिया आपके सामने जूम, और चलिए इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट। पहला सवाल है हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें, देखिएगा, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। दोनों के दोनों सही हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड मिला है, देखिए, कला संस्कृति और युवा मामला मंत्रालय को। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। इसका शुरुआत देखिए नालंदा के अंदर में हुआ है। नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप जो है देखिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें, देखिएगा, असत्य यहाँ बोल रहा है, सही नहीं, असत्य बोल रहा है। तो ये जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है, सही है बिल्कुल। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, एकदम ठीक है। बिहार का तीसरा स्थान प्राप्त है, एकदम ठीक है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं, असत्य नहीं है, सारे के सारे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 देखिएगा, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है। तो बिहार का जो जिला अव्वल है काम देने के मामले में, वो है देखिए जमुई जिला। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सूखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इन्होंने जो वो ऐप लॉन्च किया है उसको हम लोग बोलते हैं बेफिक्र ऐप, सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नंबर 8 देखिएगा, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये देखिए नवादा जिले में है। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, गलत कौन सा कथन है। देखिएगा, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है, और इसमें 19 राज्यों की टीम हिस्सा लेगी। तो डी हो जाएगा, सारे के सारे एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट हैं। नंबर 10 देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर हम बात कर लें, देखिएगा, 83,000 छात्रों को लाभ देने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। तो नहीं, ये रवाना किया देखिए पटना के अंदर से। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड दिया गया देखिए पंचायती राज विभाग को, सी करेक्ट हो। नंबर 13 देखते हैं, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सही स्टेटमेंट की बात करें, देखिए, इसकी अवधि 2023-28 तक है, सही है। इसके तहत 162,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, और इसके तहत दलहन तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। 14 देखिएगा, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है। तो ये बन गया है देखिए नगर निगम पटना नगर निगम, ठीक है। बिहार के GST मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों की एक टीम भेजी है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट बिहार का GST मॉडल अपनाना चाह रही है। नंबर 16 देखिएगा, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। गलत कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा, इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ 21 देशों में फिल्मों ने प्रदर्शन किया, भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, ये सारे सही हैं। 17 देखिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है, सोन नदी को। 18 देखिएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, पटना के अंदर में। 19 देखिएगा,
बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, डिस्कस थ्रो में बिहार दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 20, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है? डॉक्टर रोहिणी ने। 21, देखिएगा, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? समीर पांडे जी को। 22, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? ये ध्यान रखिएगा, बालिका साइकिल योजना को अपनाकर जो है 6 अफ्रीकी देशों में भी इसको लागू किया गया है। 23, देखिएगा, पंचायतों को टीवी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीवी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई, किसने की है? इस अभियान की शुरुआत देखिए तेजस्वी यादव ने करी है। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को। 25, देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CRPF में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैस को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, इनका नाम है विक्की पांडे। 26, देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? बेगूसराय के अंदर में। 27, देखिएगा, 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? सही कथन की बात कर लें, देखिएगा, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है और बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। सी करेक्ट होगा। 28, देखिएगा, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत देखिएगा पटना में हुआ है। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर लें तो 70% इंटरनेट यूज़र के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूज़र हैं। इंटरनेट यूज़र के मामले में बिहार का देश में लास्ट पोजीशन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 30, देखिएगा, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो ये देखिए टोटल 19 जिलों में है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस NTPC को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान देखिए कांटी थर्मल पावर को मिला है। बी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नव निर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने ये उद्घाटन देखिएगा पटना में किया है। सी करेक्ट हो जाएगा। 33, देखिएगा, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया है? तो जो चयन हुआ है वो देखिएगा गजेंद्र कुमार का और सिंटू कुमार का, दोनों का हुआ है। 34, देखिएगा, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर ने। 36, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन इन्होंने किया है पटना के अंदर में। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? थाईलैंड में हुआ है ये। 38, देखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? 4000 करोड़ रुपये का। 39, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो ये लोग जो ये स्थापित करने वाले सीमेंट फैक्ट्री, ये देखिए नवादा के अंदर में। 40, देखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन, लेबर हब के मामले में यूपी जो है फर्स्ट पोजिशन पर है, इसमें बिहार सेकेंड पोजिशन पर आता है और बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में
पहले पोजीशन पे आता है, डी हो जाएगा, सारे के सारे जो है यहाँ पे सही है, गलत कोई भी नहीं है। 41 बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन परिवर्तन, राइट। 42 देखिएगा, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले को किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है कैसर कुमार ने। 43 देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का जो कौन सा स्थान है देश में? तो ये बिहार का स्थान है, देखिए, सेकंड, ठीक है। 44 देखते हैं हम लोग, देखिएगा, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अत्रि अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो ये देखिएगा, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे ये। 45 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहर में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने उद्घाटन किया है, देखिए, 9 शहरों के अंदर में। 46 भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? देखिए, 55.23 बिहार में दूरसंचार घनत्व है। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तक में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो महिला किसान है बिहार की, राजकुमारी देवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एकदम डेफिनेटली इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और ये आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, राजकुमारी देवी जी। 48 देखिएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुए मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 115% का ह्यूमंगस यहाँ पे इंक्रीमेंट है। 49 देखिएगा, बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा करी गई है? तो यह है, देखिए, पटना और भागलपुर में। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अंजन कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, सुशांत कुमार सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेट नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने सेट नंबर 4 में लेके हाजिर हूँ और इसको मैं जूम करके स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है सेट नंबर 4 से। तो पहला सवाल है हमारा, देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। जल स्रोत के संख्या में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पोजीशन पे है और बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं। डी हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। तो बिहार पूर्णिया के विद्यालय कुलसचिव कौन है? तो ये है, देखिए, डॉक्टर घनश्याम राय। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? मोनिका दास। 4 देखिएगा, बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? सीतामढ़ी पंचायत को। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉल को। 7 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो कुल मिला के देखिए 45 छात्रों का चयन यहाँ पर बिहार से अपने हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। 8 देखिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 9 देखिएगा, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा, बिहार में गरुड़ की संख्या 720 है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है और असम में 650 गरुड़ संख्या के साथ असम सेकेंड नंबर पे है। डी हो जाएगा, सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं आपस में।
नंबर 10 देखिएगा, नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है, बिहार के जमुई जिले की अंजना कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, ये चुना गया है जैवलिन थ्रो में प्रतिनिधित्व के लिए। तो हमारा यहाँ पे 10 का सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 11, राज्य में नदियों में जलीय जीव के नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। ये देखिए, रिवर हैचिंग योजना को लॉन्च किया गया है। नंबर 12 देखिएगा, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, असत्य है। बिहार में समस्तीपुर जिला को देश के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, सी हो जाएगा। 13 देखिएगा, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया, इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 से। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये देखिएगा मुजफ्फरपुर में और पटना में किया गया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा, बिहार के पटना संग्रहालय में नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं देखिए अंजनी कुमार सिंह जी। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है, तो इसके ऊपर जो निर्माण हुआ है देखिए गोपालगंज में हुआ है। 17 देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है, नालंदा पुलिस एकेडमी को, ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा किया गया देखिए भागलपुर के अंदर में। 19 देखिएगा, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। गलत की बात कर लें, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है और बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है और बिहार के प्रिंस यादव ने 40 किलो वर्ग में रजत कांस्य पदक जीता है। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। 20 देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो ये उपलब्धता है देखिए 400 ग्राम यानी कि आधा लीटर से 100 ग्राम कम। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया देखिए जापान के अंदर में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा करी गई है, तो ये शिक्षा ऋण की अगर हम बात कर लें इसकी घोषणा है ना, तो ये देखिए 50 लाख रुपए तक की गई है। 23 देखिएगा, हाल ही में जारी इंडेक्स जस्टिस रिपोर्ट 2022 संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें देखिएगा, इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें बिहार को 16वां स्थान है, सी करेक्ट हो जाएगा। 24, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है। देखिएगा, इसके विमोचन की अगर हम बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने करा है। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार का जो प्रथम स्थान है देखिएगा लीची प्रोडक्शन में और आम प्रोडक्शन में है ना, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में वैभवगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है, वैभवगिरी पर्वत, तो ये ध्यान रखिएगा ये है नालंदा में। 27, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है और इस वर्ष इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने करा है, सारे सही हैं यानी गलत कोई भी नहीं है। 28 देखिएगा, बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से दस हज़ार वर्ष पुराने कैलेंडर याद कर रखे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है, कौन है वो, अभय कुमार। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया जी को। नंबर 30 देखिएगा, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम
कौन से स्थान पर रही है? देखिएगा थर्ड पोजीशन पर रही है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है पश्चिमी चंपारण का प्रसिद्ध चावल है। 32 देखिएगा, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव आयोजन किया गया है इसका? औरंगाबाद में। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये देखिएगा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है देखिएगा पटना के अंदर में। 35 देखते हैं हम लोग, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी करी है? तो ये जारी करिए देखिए 603 करोड़ रुपए की। 36 देखिएगा, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के ज़िले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा। तो पांडुका श्रीनगर पुल जो है इसका निर्माण देखिए रोहतास में होने वाला है, राइट। 37 देखिएगा, बिहार राज्य जलाशय मत्स्य निधि 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया है? ये मुख्यालय बनाया गया देखिएगा मुंगेर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 38 देखिएगा, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो ये देखिएगा डॉक्टर राजवर्धन आजाद को चुना गया है। 39 देखते हैं, बिहार के अररिया जिले की डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो ये रही हैं देखिए टीना झा। 39 का ये करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिएगा, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो टारगेट है देखिएगा रबी सीजन में 1,000,000 मीट्रिक टन का टारगेट है। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये क्वालिफाई किया है देखिए कैसर कुमार ने। 42 बिहार के कितने ज़िले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो ये चलाया जाएगा देखिएगा टोटल बिहार के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट, सी करेक्ट होगा। 43 देखिएगा, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय देखिए टोटल 13 जेल ऐसी बनाने का निर्णय लिया गया है। 44 देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहला स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है देखिएगा शेखपुरा। 45 देखते हैं हम लोग, देखिएगा टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? इसमें ध्यान रखिएगा भागलपुर आपका इसमें ऐड नहीं होता है। 46 अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन इन्होंने करा है देखिएगा मुजफ्फरपुर के अंदर में। 47 बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये देखिए गंगा रिवर के ऊपर में किया जा रहा है। 48 किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया? तो ये हुआ देखिए केरल में, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो इनकी 163वीं जयंती देखिए 23 अप्रैल 2023 को मनाया गया। हमारा सेट नंबर 4 से आखिरी सवाल है, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा करी है? तो देखिएगा समाज एवं कल्याण विभाग के द्वारा ये काम किया गया है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 4 ख़त्म होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेट नंबर 5 की ओर। और यहाँ पे रहा आपका सेट नंबर 5, इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ जूम और यहाँ से हमारा सेट नंबर 5 हो जाएगा स्टार्ट। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस सम्मानित किया है देखिए जल जीवन हरियाली अभियान को, बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात कर लें देखिएगा, कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं, इससे पूर्व वे केरल हाईकोर्ट के जज हैं और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे जो हैं स्टेटमेंट सही हैं, गलत कोई नहीं है। नंबर
नंबर तीन, बिहार के जिले में दिल्ली हार्ट की तर्ज पर मिथिला हार्ट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ किया है? मधुबनी के अंदर में। चार नंबर, पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है? तो ये समझौता जो है, ध्यान रखिएगा, JICA के साथ हुआ है। नंबर पाँच, वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा, यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस था, ये भी ठीक है। और वर्ष 2023 में बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखा गया है, ठीक है, ये भी सी हो जाएगा हमारा, पाँच का। नंबर छः देखिएगा, बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड की अगर हम बात कर लें, किसने बनाया है, ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्मी झा ने बनाया है। साथ देखिए, चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने ज़िलों को शामिल किया गया है? तो ये टोटल देखिएगा 38 ज़िलों को इसमें शामिल किया गया है। आठ नंबर देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी? तो ये घोषणा किया गया है, देखिएगा, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के लिए। नंबर नाइन देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी 2023 में जारी आकांक्षी जिले की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? सही कथन की बात कर लें, शीर्ष पाँच आकांक्षी जिलों में बिहार के दो जिले शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला जो है प्रथम और शेखपुरा चौथे स्थान पर है, और स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है। तो इनमें से कोई भी नहीं, मतलब सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की ओर से महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 सम्मानित किया गया है, बबीता गुप्ता को। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा भी शामिल हुई थी? बेगूसराय में। नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया, देखिए, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें, देखिएगा, बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, और पीयूष राज ने डेकाथनॉल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 14 देखिएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि जो है, देखिएगा, 24% का वृद्धि दर्ज किया गया है। 15 नंबर देखिएगा, बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो देखिए, नालंदा में किया गया है। 16 देखिए, हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए, देखिए, प्रशांत कुमार साही जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 17 देखिएगा, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में डैश तथा विधान परिषद क्षेत्र में डैश स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। ये घोषणा देखिएगा, 7.5 सात विधानसभा परिषद क्षेत्र में और 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। 18 देखिएगा, 1819 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है? विक्रमशिला महोत्सव, इसका आयोजन जो है, देखिएगा, भागलपुर में हुआ है। 19, 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा, इसका आयोजन झारखंड में किया गया है, सही है। बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, ठीक है, पहली बार बिहार की टीम ने नेशनल पदक जीता है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे ठीक हैं। 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम लोग बात कर लें, किसको बनाया गया है, तो देखिएगा, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। 21 नंबर देखिएगा, बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है?
तो ये अनावरण देखिएगा पटना में किया गया है और मुजफ्फरपुर में इनके नाम से जुब्बा साहनी पार्क भी है, ध्यान रखिएगा। 22 देखिए, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? ये प्रदर्शित किया गया है देखिए मैथिली के, तो 22 का हमारा ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 23, बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये चिड़ियाघर जो है देखिए अररिया में बनाया जा रहा है। 24 देखते हैं, मार्च 2023 में मनाया गया विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे देखिए गलत कथन की अगर हम बात कर लें तो देखिए यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, यह बिहार का राजकीय पक्षी है और इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम आई लव स्पैरो है। डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, गलत कोई भी नहीं है। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देखिएगा भागलपुर के अंदर में। 26 देखिएगा, मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो ये चयन हुआ है देखिए खुशी कुमारी का। 27 नंबर देखिएगा, हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो ये राशि है देखिएगा 228 रुपये। निम्नलिखित में से किस संस्था में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन देखिएगा IIT पटना में किया गया है। 29 देखिए, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो ये जो अनुदान है देखिएगा 50% अनुदान ये दिया जाएगा। 30 देखिए, 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो ये हवाई सेवा देखिएगा पटना के लिए शुरू की गई है। 31, निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफ़ी टेबल बुक बिहार दैट वॉज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो ये विमोचन जो है देखिएगा रघु राय उषा राय के द्वारा किया गया है। 32 देखिएगा, छठी फेडरेशन कप विश्व चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें तो इसका आयोजन पंजाब में किया गया है, बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है और पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 33, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पदयात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया? इन्होंने टोटल मिला के देखिएगा 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका आयोजन किया था। हाल ही में खान एवं भूविज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय किया है? तो ये नीलामी देखिएगा जमुई में ये मिला है। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महत्व के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है अगर हम बात कर ले देखिए बिहार संग्रहालय परिसर पटना में हुआ है। 36 देखिएगा, 21 मार्च 2023 को मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्ला खान का 107वीं जयंती मनाई गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कर लें, इनका जन्म 21 मार्च, यहाँ पे ये वाला गलत है, रुकिए, ये इनका 2016 में जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। इन्होंने 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न जो है अगर हम बात कर लें, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो हमारा बी और सी हो जाएगा इसमें। 37 देखिएगा, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें देखिएगा इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया, बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है, 40 किलोमीटर मार्स स्टार के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, डी हो जाएगा सभी। 38 देखिएगा, 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार को किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है देखिए विद्या कुमारी ने। 39, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को
सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है देखिए 5 जिलों को। 40 देखिएगा, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस ज़िले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये देखिएगा पूर्णिया में किया गया है। 41, हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देखिएगा सम्राट चौधरी को। 42, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस स्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापने संयंत्र की घोषणा करी है? तो ये जो है देखिएगा IIT कानपुर के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना होने वाला देखिए बाल वाटिका का। 44 देखते हैं हम लोग, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो ये जोड़ा जा रहा है देखिए बागमती और बूढ़ी गंडक को। 45 देखिएगा, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो ये जो संचालन होने वाला अगर इसकी हम बात कर लें देखिएगा 100 केंद्र से खोले जाएंगे। 46 देखिए, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? तो उन्होंने वृद्धि करी है देखिए 24% तक का वृद्धि कर दिया इन्होंने। 47, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति की तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो कुल मिला के देखिएगा 17 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है चयन किया गया है। 48 देखिएगा, जनवरी 2023 में बिहार में कितने देसी पर्यटकों ने भ्रमण करने का रिकॉर्ड बनाया? 19 लाख। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिएगा 12.90% का वृद्धि हुआ है। सेट नंबर 5 से हमारा आखिरी सवाल है, हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1105 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध निर्माण के घोषणा की गई है, यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये नदी जो है देखिएगा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा से होके, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सेट नंबर 1 से 5 तक हमने देखा है आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहें। धन्यवाद।